नमस्कार, मैं हूँ रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत में लोगों ने एनएमडीसी के स्लरी पाइपलाइन बिछाने के दौरान सागौन के पेड़ों को काटने का विरोध किया। इस दौरान वहां पर काम करने वाले लोग भी लापरवाह हैं। इस क्षेत्र में जहां पांचवी अनुसूची लागू है, वन सुरक्षा समिति से कोई अनुमति नहीं है और न ही ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया है। मनमाने तरीके से ये पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया। वही सरपंच का कहना है कि ग्राम पंचायत को इस बात की जानकारी नहीं है और न ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ है। देखिए लाल शाह की रिपोर्ट। झाड़ काटने से पहले किसी को नहीं बताया गया, परमिशन नहीं है, मतलब हम लोग दिए भी नहीं ग्राम सभा से या ग्राम पंचायत से, और वन अधिकार समिति से भी शायद नहीं लिए हैं। मेरे को ये इसका थोड़ा सा जानकारी नहीं, क्योंकि वो भी मेरे हमको पूछ के ही परमिशन के लिए साइन वगैरह करते हैं, तो नहीं दिए। और इधर झाड़ काट के और सफाई कर दिए। फॉरेस्ट का ही अंदर है सागौन का। बढ़ते अगली खबर की ओर। जीआर कंपनी में लगे गाड़ी एक्सावेटर मशीन से डीजल चोरी करते वक्त चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के पास से लगभग 25 लीटर चोरी का डीजल, जिसकी कीमत 2500 रुपए और एक लोहे का पुराना धारदार तलवार नुमा कट्टा जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में आरोपी की मदद करने वाले अन्य दो आरोपी घटना में इस्तेमाल की गई वाहन को लेकर फरार हैं। देखिए चंद्रशेखर बरेट की रिपोर्ट। बेमेतरा में एक महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। घटनास्थल पर पहुंचे तहसीलदार और फॉरेंसिक टीम महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस जांच में पता चलेगा कि महिला की हत्या हुई है या आत्महत्या। देखे सुरेंद्र धीवर की खास रिपोर्ट। आईलिट प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों से उनके अनुभव सुनकर संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने जमकर हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने बस्तर के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से राह दिखाने के संस्थान आईलिड और संचालक की प्रशंसा की। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से अनुभव सुन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पौधा तुहार द्वार योजना के तहत निशुल्क पौधा वितरण रथ को बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन विभाग द्वारा अपने निजी भूमि पर पौधारोपण हेतु निशुल्क पौधा वितरण किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले के स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में जिला अस्पताल सहित सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इसका असर स्वास्थ्य विभाग में भी देखने को मिला। हड़ताल से जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा केंद्र, ऑपरेशन, नेत्र ऑपरेशन आदि बंद हो गए हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लगभग 900 से अधिक नियमित अनियमित संविदा कर्मचारी 24 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष आर के जाटो ने बताया कि 24 सूत्री मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहे। 24 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन और आज हड़ताल का पांचवा दिन जो सफलतापूर्वक चालू है, और हमने यह प्रांत से अवगत करा दिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने रायपुर जा रहे बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ता विश्वंभर यादव। कार्यकर्ता को दिल्ली एम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आने की वजह से जल्द ऑपरेशन किया जाना है। बता दें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर कार्यकर्ता को एम्बुलेंस से चक्रभाटा एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। अगली खबर। भूपेश बघेल के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार की गारंटी वाले भूपेश बघेल जी जब केंद्र में भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कांग्रेसियों के विरोध के बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, और इससे कांग्रेसी चाह करके भी इनकार नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार की गारंटी वाली सरकार चलाने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपको याद दिला दें कि केंद्र में जब अटल जी की सरकार थी तो कांग्रेस के विरोध के बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके छत्तीसगढ़ का वास्तविक अर्थों में कल्याण किया था। आपके सरकार बनने के बाद आपने अगर कोई गारंटी दी है तो केवल और केवल भ्रष्टाचार की गारंटी दी है। छत्तीसगढ़ के हजारों बहन बेटियों माताओं के सुहाग को उजाड़ करके 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की गारंटी आपका। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आकर भाषण दिया कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भाजपा भ्रष्टाचारियों की संरक्षण बनकर सामने आई है। पहले विपक्षी दल के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां भेजकर धमकाया जाता है, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जाती है, और जैसे ही वो नेता भाजपा में शामिल होते हैं उनके दामन साफ हो जाते हैं। मोदी पिछले 9 सालों में घोटालेबाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए।
नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे जिले के संविदा कर्मचारी संघ को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला। अंबिकापुर शहर में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कर उनके साथ बहुत बड़ा छल किया है। संविदा कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानना इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भूपेश सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए अंबिकापुर से यूसुफ खान की खास रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से हुआ संपन्न। बता दें मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के लिए प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया को शामिल होना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद वर्चुअल के माध्यम से सीएम और उप मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लोकार्पण किया। देखिए अंबिकापुर से खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।